सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, जो आपकी नॉलेज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर्स थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, जिससे कि आपका मन भी लगा रहेगा वीडियो देखने में। तो आइए लेते हैं वीडियो का सबसे पहला सवाल। तो चलिए बताइए कि सिक्का बनाने की कितनी कीमत होती है, यानी कि आप आम जिंदगी के अंदर जो 1, 5 और 10 के सिक्के यूज करते हैं उसे बनाने में कितने पैसे लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। एक आरटीआई हैदराबाद के अंदर एक टकसाल को भेजा गया था, जहां पर 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों को बनाया जाता है, जिसके जवाब में उनके मुताबिक 1 रुपये के सिक्के को बनाने में औसत लागत 1 रुपये 11 पैसे की लागत आती है, यानी कि रुपये की लागत उसके मूल्य से भी ज़्यादा है। वहीं 2 रुपये के सिक्के को ढालने में 1 रुपये 28 पैसे लगते हैं, 5 रुपये के सिक्के को तैयार करने में 3 रुपये 69 पैसे लगते हैं, 10 रुपये के सिक्के को बनाने में 5 रुपये 54 पैसे की लागत आती है। चलिए इसमें अगला सवाल लेते हैं कि नोटों में गांधी जी का फोटो कहाँ से आया। चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने पहली बार गांधी जी की तस्वीर वाले कॉमेमोरेटिव यानी कि स्मरण के तौर पर 100 रुपये के नोट 1969 में पेश किए। ये साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष था और नोटों पर उनकी तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। गांधी जी की मौजूद पोर्ट्रेट वाले करेंसी नोट पहली बार 1987 में आए। गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे वाली इस तस्वीर के साथ सबसे पहले 500 रुपए का नोट अक्टूबर 1987 में पेश किया गया। इसके बाद गांधी जी की ये तस्वीर अन्य करेंसी नोटों पर भी इस्तेमाल होने लगी। अगला सवाल आता है कि घोड़ा कभी बैठता या फिर सोता क्यों नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि घोड़ा कभी भी सोता ही नहीं है। हर जानवर की तरह घोड़ा भी सोता है, अपनी नींद पूरी करता है और हर जानवर की नींद उसके आवश्यकता के अनुसार ही तय होती है। जो शरीर से जितनी मेहनत करता है वो उतनी ही मात्रा में नींद भी लेता है। उसी तरह घोड़ा भी होता है, जो काफ़ी ऊर्जा और ताकतवर जानवर माना जाता है। उसकी इसी ऊर्जा की वजह से उसे काफ़ी नींद भी मिल जाती है। खास बात तो ये है कि घोड़ा पूरे दिन भर में केवल 20 से 25 मिनट ही सोता है और इतने में ही अपनी नींद को भी पूरा कर लेता है और इससे ज़्यादा नींद की उसे ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। वहीं थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में नींद ले लेता है। घोड़े के पैर बिल्कुल हमारी चारपाई जैसे होते हैं, एकदम तने हुए, जो उसे हर परिस्थितियों में मदद देने के लिए तैयार बने रहते हैं। वहीं जब वह सोता है तब उसे गिरने नहीं देते। अगला सवाल आता है कि गाय हरा चारा ही खाती है पर दूध सफेद क्यों देती है। इसका सही जवाब है कि दूध में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है और साथ में विटामिन डी की भी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती देती है। दूध को सफेदी कैसीन नामक प्रोटीन से मिलती है। ये प्रोटीन कैल्शियम के साथ दूध को सफेद रंग देने का काम भी करता है। दूध में मौजूद वसा भी सफेद रंग का होता है। यही कारण है कि दूध में जितनी ज्यादा मात्रा में वसा या फिर चिकनाई होती है वो उतना ही ज्यादा सफेद होता है, जबकि कम वसा या क्रीम वाला दूध हल्का सा मटमैला दिखाई देता है, तो इसी वजह से गाय का दूध सफेद होता है। अगला सवाल आता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है। मेरे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर मुझे बताइए। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। चिंपांजी दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। साइंटिस्ट के अनुसार चिंपांजी एवं इंसान का विकास लगभग एक ही तरीके से होता है। चिंपांजी को दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि चिंपांजी का दिमाग इंसान के दिमाग की तरह ही उम्र के साथ साथ कमजोर नहीं होता बल्कि जवान ही रहता है। सो गाइस, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप इसी तरह के सवाल जवाब और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।